अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, लिखा हुआ बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडियन आईटी कंपनी इंडिया की कंपनी है, इज प्लानिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है भाई, थ्रू अ होली ऑन सब्सिडरी इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं? चाइना। कौन सी कंपनी है? इंडियन। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? चाइना में, ठीक। और लाइफ तो बहुत ही कम है भाई, 2 साल का प्रोजेक्ट है। चलो अच्छा है, बड़े बड़े क्वेश्चन खत्म हुए, 2 साल का। इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एट 8%। इसको एक बार लिख लिया जाए, ये कहाँ की कंपनी है? इंडिया। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जी? चाइना। चाइना वहाँ इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 8%। अभी तक यहाँ तक हमारी बात समझ में। अब आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर रिसीव्ड एट द ईयर एंड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईयर एंड में आएगा, वैसे भी हम एज्यूम करते हैं कि ईयर एंड में ही कैश फ्लो आएगा। अब काम की चीज, फॉर द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, चाइना में कौन सी करेंसी चलती? युआन। युआन कैसे लिखते हैं? CN युआन, चाइनीज युआन, ठीक है। कितना रुपए लग रहा है? 30 लाख इन लैंड। हम लोगों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में पैसा कहाँ लग रहा है? सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड, और लैंड में कितना रुपए लग रहा है? CN युआन कितना? 30 लाख। द लैंड विल बी सोल्ड आफ्टर कंप्लीशन। अब भाई लैंड खरीदोगे, आज चाइना में लैंड खरीद रहे हो, 2 साल बाद क्या करोगे? 2 ही साल का प्रोजेक्ट, तो बोले हम बेच देंगे। और सुनो, लैंड 30 लाख युआन का आज खरीद रहे हो, तो बेचोगे तो क्या ज़्यादा में बिकेगी? यस। तो अगर इसका मैं सेलवेज की बात करूँ, लैंड का सेलवेज, तो लिखा CN युआन कितने का बिकेगा? 35 लाख का। कब? 2 साल बाद, ठीक है। द प्रोजेक्ट आल्सो रिक्वायर, और किसकी जरूरत है? बोले ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। और क्या लग लेगा लैंड के अलावा? ऑफिस कितना युआन लग रहा है? ऑफिस कॉम्प्लेक्स में 15 लाख युआन। अच्छा, और लिखा है द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिसिएशन। कौन सी मेथड से डेप्रिशिएट करना है? SLM मेथड, 2 साल के लिए। हाँ, और डेप्रिसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन के लिए के पर्पस से 0 सेल्वेज वैल्यू ले लेना। इट मींस कि हम लोगों को जो करना है वो डेप्रिसिएशन लगाना है, किस मेथड से? SLM। जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 0 सेल्वेज वैल्यू, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिकेगा, और कितने में बिकेगा? CN युआन 5 लाख। इट मीन्स इसका भी सेल्वेज है, डेप्रिसिएशन निकालते समय नहीं लेना है, और कितने का बिक जाएगा? 5 लाख। यहां तक किसकी बात है? यहां इन्वेस्टमेंट की, चाइना में करना है। चाइना की करेंसी कौन सी है? युआन। कितना लग रहा है लैंड में? 30 लाख। लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, 2 साल बाद 35 लाख युआन का भेज देंगे। ऑफिस में 15 लाख, डेप्रिसिएशन निकालते समय 2 साल के लिए SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज माइनस नहीं करना है, लेकिन पैसा मिलेगा 5 लाख। कैपिटल गेन में इनका चक्कर आएगा, देख लेंगे। अब बात करते हैं पैसा कहां से आएगा। अब इन्होंने कहा द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड। बोले पैसों का अरेंजमेंट किसके थ्रू होने वाला है? GDR। इट मीन्स फाइनेंस कहां से होगा भाई? फाइनेंस, और फाइनेंस हो रहा है आपका GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और सुनो, फाइनेंस ना तो चाइना से हो रहा है,
ना तो इंडिया से मॉरिशस, ठीक है। हर एक जीडीआर में कितना स्टॉक्स है, बोले 5 स्टॉक्स, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंपनी हैज अंडरलाइंग सिक्योरिटी विच आर करेंटली ट्रेडिंग, शेयर आज कितने में बिक रहा है, चलो देखते हैं। जीडीआर, जीडीआर के थ्रू बोले शेयर कितने में, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर कितने रुपए में बिक रहा है, बोल रहा है 200 रुपए, हालांकि फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए। सर फेस वैल्यू किस काम आएगा, फेस वैल्यू काम आएगा डिविडेंड निकालने के। इन द डोमेस्टिक मार्केट, बोल भी दिया डोमेस्टिक, द कंपनी हैज करेंटली पैट, इंपॉर्टेंट करेंटली पैट मतलब डी जीरो, तो आपको क्या दिया हुआ है डी जीरो, कितना रुपए डी जीरो दिया, परसेंटेज दे रखा, तो परसेंटेज निकाले थे 10 रुपए कभी भी फेस वैल्यू का 25%, तो कितना आ गया 2 रुपए 50 पैसे। और ग्रोथ रेट कितना दिया है 10%, ग्रोथ रेट दिया है 10%। सर ये किस काम निकाल है बेटे, ये रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकालने के काम आएगा, के ही निकालने के काम आएगा। अच्छा टोटल इश्यू कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 1%, बोले 200 रुपए का शेयर नहीं बिकेगा, इसमें से हमको 1% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन है के ही निकालने के लिए, डेट है ही नहीं है, तो हमारा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के ही हो जाएगा, अभी तक तो डेट नहीं है। सर ऑपरेशन पैसा आएगा कैसे, उसकी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो अब यहां लिख लेते हैं हम ऑपरेशन, ऑपरेशनल कैश फ्लो, पैसे कैसे आएंगे, चलो देखते हैं। द एनुअल सेल्स, द एनुअल सेल्स कितना यूनिट्स से बेचेंगे, 10,000 यूनिट्स, तो सबसे पहले लिख दूं सेल्स, दस हजार यूनिट्स, रेट क्या भैया युआन 500 पर यूनिट, आगे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द इन्फ्लेशन, मतलब जो ये प्राइस है ये 8% से बढ़ेगा, चाइना में इन्फ्लेशन का रेट कितना है 8%, तो 8% से बढ़ा देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%, अगर वेरिएबल कॉस्ट है 40% तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल सकता है, यस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा कितना 60%, तो 300 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपया नहीं युआन, ठीक है। आगे लिखा है टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना, चाइना में भाई इनकम टैक्स का रेट क्या चल रहा है, तो चलो देख लेते टैक्स का रेट, टैक्स रेट कितना है जी चाइना में 25%। सर कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स भी और कैपिटल गेन भी, कैपिटल गेन क्यों आएगा, क्योंकि सर लैंड बेचोगे ऑफिस बेचोगे तो कैपिटल गेन भी तो लगेगा, यस। और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी नो फर्दर टैक्स शैल बी पेबल इन इंडिया, इंडिया में चाइना में टैक्स देकर आओ, इंडिया में ले आओ, टैक्स नहीं लगेगा, अच्छी बात है। स्पॉट रेट दे रखा है जो हमारे काम की चीज है, चलो स्पॉट रेट, स्पॉट रेट दे रखा है CNY युआन 1 इज इक्वल टू रुपीज कितना 9.50, ठीक है। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, इंडिया में इंटरेस्ट रेट दे रखा आई कितना है भाई, इंटरेस्ट रेट 12%, और चाइना में इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट चाइना में 10%। सर ये क्यों दिया है, पक्का आपको एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा किसके हिसाब से, आईआरपी बोला भी है, आईआरपी कंडीशन होल्ड गुड, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। पहला पॉइंट क्या मांगा है जरा देखते, फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो इन चाइना, चाइना का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना है और एनपीवी निकालना, और सुनो इस बार कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, युआन में ही निकालना है। ओके सर, पहली बात
क्या हमें एक्शन रेट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, यूआन में ही हमें एनपीवी निकालना है। तो जरा सोच के बताओ आज कितना पैसा जाएगा। ये लिखा है लैंड में और किस में? ऑफिस में। प्रोजेक्ट कितने साल तक चलेगा? 2 साल तक। कितना यूनिट बेचेंगे? 10,000 यूनिट। कितने के हिसाब से? 500 इन्फ्लेशन कर लेंगे, 1 साल 2 साल का इन्फ्लेशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह निकालेंगे। अच्छा, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न किसके थ्रू निकालेंगे? ये दिया है रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए सारे की सारी इन्फॉर्मेशन। ये इससे रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे, खत्म। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, डिटरमाइन वेदर ओपस टेक्नोलॉजी शुड गो फॉर प्रोजेक्ट और नॉट, एज्यूमिंग दैट देयर नाइदर देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अब वो बोल रहा है एक काम करो, चाइना में जो युआन है ना उसको कन्वर्ट करके इंडिया में ले आइए, ठीक है, और इंडिया में आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, बस आप अब एनपीवी निकालिए रुपीस में। पहली बार एनपीवी पहले पॉइंट में किस में बोला है? युआन में, वहां की करेंसी। दूसरी बार एनपीवी किस में निकालना है? उसको कन्वर्ट करके इंडिया ले आते हैं और रुपीस में एनपीवी निकालना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिर भी एक्सचेंज रेट निकाल कर रख लेते हैं आईआरपी के हिसाब से। काम क्या क्या होगा जरा देखते हैं। पहले तो भाई एक्सचेंज रेट निकाल के रख लेते हैं, टेंशन खत्म, 2 ही साल का तो निकालना है। दूसरा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल के खत्म करते हैं, 2 काम हो गया। उसके बाद कैश फ्लो, एनपीवी युआन में, फिर एनपीवी रुपीस में, खत्म क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसी को हम बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करें हम लोग। यस सर, अब हम लोग स्टार्ट करें। पहला काम हमारा क्या था? एक्सचेंज रेट निकालते हैं। तो लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट। किसके थ्रू? यूजिंग आईआरपी। पहला काम तो हम ये करते हैं। तो सर आईआरपी की इक्वेशन क्या है? यस, आईआरपी की इक्वेशन है फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1+R डिवाइडेड बाय 1+R। ओके सर, अब मुझे कब का निकालना? मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। FR इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ क्या स्पॉट रेट हमको मालूम है क्या? चेक करो, स्पॉट रेट हमने कहीं लिखा था। यस, यन रुपीस 9.50। तो ऊपर रुपया का रेट आएगा, रुपया का रेट कितना चल रहा? 12%, 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ले लेते हैं 9.50 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये आ गया रुपीस 9.67। और कौन सी ईयर का निकाल लेते हैं हम लोग? सेकंड ईयर का निकाल लेते हैं। रुपीस 9.67 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.10। तो ये आ गया रुपीस 9.48 ले लूँ, 8.85 ले लेते हैं। बस 2 ही साल की ज़रूरत है हमें, क्यों 2 साल और लगेगा नहीं। तो ये याद रखना, ये हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है, ठीक है सर। तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग एक्सचेंज रेट निकाल कर रख लिया, अब और एक चीज़ लगेगी हमको। क्या हमें लगेगा? रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। तो अब लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड वाला। Required rate of return, ठीक है। तो भाई क्या फॉर्मूला है required rate of return का? सर के, यस D1, यस P0 प्लस जी, दिस इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। D1 कितना है? D1 चेक करो बेटे, आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 2 रुपये 50 पैसे। यस, 2 रुपये 50 पैसे।
पैसे, ये डी वन है, ये डी जीरो है, इसमें ग्रोथ रेट ऐड करना पड़ेगा 1.10। पी जीरो वैसे तो 200 रुपए पर 1% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो बोलो कितना, 198 आएगा, और इतना डिविडेंड देना पड़ेगा प्लस 0.10। चेक कर लो कितना आ रहा है, 2.5 into 1.10 डिवाइडेड बाय 198 प्लस 0.1 into 100, 11.39%। That's it। ये भी काम हो गया। अब क्या बचा? अब लास्ट काम बचा हुआ कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। अब हम लोग तैयार हो चुके और अब हम लोग एनपीवी निकालने वाले हैं। ये दो चीज़ मुझे चाहिए था, ये मैं काम कर दिया। अब लिखोगे बेटे मेरे साथ में, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। कितना साल? 2 साल। ये आ गया मेरा 1 साल, ये दूसरा साल। सर 0 वाला भी ले लो ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया 0, ये 1 और ये 2। दो ही साल का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स कितना बचेगा? यहाँ कुछ नहीं, 10,000। 10,000 यूनिट्स। अब बात क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस। नहीं, सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते ना यार, टेंशन ही खत्म। ठीक है सर, पहले वही कर लेते, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देते। तो यहाँ लिख रहा हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, 300, लेकिन इन्फ्लेशन ऐड करना है। कितना परसेंट है चाइना में इन्फ्लेशन? 8%। तो 300 प्लस 8%, 349.92। ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी ठीक है यहां तक हो गया। अब ये हो गया, तो अब क्या जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। यहां लिख देंगे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां तो नहीं आएगा, 10,000 into 324, तो आ गया 32,40,000। और 10,000 into 349.92, 34,99,200। ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। सर इसमें से और क्या माइनस करना, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। ये सर युआन में निकल रहा है। फिक्स कॉस्ट देखो कहीं फिक्स कॉस्ट था कि नहीं था। था भाई, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमने लिखा नहीं था क्वेश्चन में, है। हाँ सर, युआन CNY 22 लैक्स, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा, पर 8% का इन्फ्लेशन भी याद रखना है। 22 लैक्स प्लस 8%, 23,76,000 प्लस 8%, 25,66,080। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया। अब जो आया उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा CFBT। ये तो नहीं आएगा, 32,40,000 माइनस 23,76,000, तो ये आ गया 8,64,000 34,99,200 माइनस 2,566,080। फिर से देख लेते, 349.92 into 10,000 माइनस 25,66,080। हाँ, तो ये ले लीजिए 9,33,120।
अब इसके बाद सर, इसके बाद क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए बिल्कुल साफ साफ बात बता रहा हूँ, लैंड पर तो लगेगा नहीं, ऑफिस पे लगेगा। ऑफिस का वैल्यू कितना है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स येन युआन, सॉरी युआन 15 लाख। सैलवेज माइनस नहीं करना, 2 साल का प्रोजेक्ट है तो सीधा 15 लाख डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 7,50,000 और यहाँ कितना आएगा युआन 7,50,000। ठीक, तो अब क्या आएगा, अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,64,000 माइनस 7,50,000, तो यहाँ गए 1,14,000 933,120, ये आ गया 183,120। ठीक है, ओके सर, सर आगे भी काम कर लेके, यस टैक्स भी निकाल ही लेते हैं कि टैक्स कितना आ रहा। चलो टैक्स, टैक्स का रेट चाइना में कितना परसेंट है, 25%, तो सीधा कर ले 0.25 इंटू 1,14,000, तो ये आ गया 28,500 एंड 183,120, ये आ गया 45,780। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया, थोड़ा सा और लिख देता हूँ फिर हम काम करें, जरूरत नहीं। तो अब क्या करें, अब सीधा लिख रहा हूँ मैं सी एफ ए टी, कैसे, इसको लिया 1, इसको लिया 2, तो यहाँ गया 1-2, 8,64,000 माइनस 28,500, तो ये आ गया 8,35,500 और 933,120 माइनस 45,780, ये आ गया 887,340। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आगे क्या करना है, बस ये लो, यहाँ तक काम हो चुका, बढ़ाना तो पड़ेगा। तैयार हो, सीएफएडी तक काम हो गया हमारा। अभी क्या करना है सर, अब ना हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, हम लोगों को डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन तो हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से समझना बेटे, किस में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड में कितना युआन है, लैंड में 30 लाख, और ऑफिस में कितना 15 लाख, तो टोटल हमारे पास से कितना जा रहा है 45 लाख। ठीक है सर, सैलवेज भी तो आएगा, यस सैलवेज। अब यहां बिल्कुल ध्यान से समझना, ये काम की चीज है सर, सैलवेज क्या आएगा समझोगे बेटे, भाई बेचोगे क्या क्या, एक तो लैंड बेचोगे, और क्या बेचोगे सर, एक तो हम ऑफिस बेचेंगे, कितने में बेचोगे सर, सर लैंड बिकेगी 35 लाख का, और ऑफिस सर ऑफिस बेचेंगे 5 लाख। अब एक बात बताओ मुझे, इस पे कोई टैक्स आएगा कि नहीं है लैंड पे, आएगा, तो अगर समझने की कोशिश करो, मैं माइनस क्या करने जा रहा हूं टैक्स, अब सुनो लैंड का मैं कैसे कर रहा हूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जा लेता हूँ फिर वापस। लैंड का मैं कैसे कर रहा हूँ कि भाई 35 लाख रुपए में बेच रहे हो, माइनस 30 लाख रुपए में आपने खरीदा था, तो 5 लाख का गेन है, और उसका 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो 5 लाख का 25%, तो टैक्स गया 1,25,000। तो 35 लाख लैंड बेचने से आएगा, पर 1,25,000 टैक्स भी तो जाएगा, इसको नोट कर लेना साथ साथ, क्योंकि मैं इसको नीचे लाऊंगा तो। अच्छा सर ठीक है,
फिर से लैंड बेचा कितने में? 35, जबकि खरीदा कितने में था? 30 लाख। तो 5 लाख का कैपिटल गेन है और उसका 25% टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स 35 लाख का लैंड बेचूंगा तो 1,25,000 टैक्स लग जाएगा। ठीक, ऑफिस, ऑफिस का कितने में? तो ऑफिस कितने में बेच रहे हो? 5 लाख। और उसका WDV कितना? 0, क्योंकि पूरी तरह से आपने डेप्रिशिएट कर चुके हैं। WDV डेप्रिशिएबल एसेट है। ओके सर, और इसका टैक्स कितना आ गया? 25%। तो यहाँ कितना आएगा? 5 लाख का 25%, यहाँ भी टैक्स जाएगा 1,25,000। तो नेट कितना आ जाएगा? 35 लाख में से 1,25,000, तो लैंड बेचने पे नेट मिलेगा मुझे 33,75,000। और ऑफिस बेचने से 5 लाख माइनस 1,25,000 तो मुझे मिलेगा 375,000। ये वर्किंग नोट रहा और इसको आप नोट कर लो के दिस इम्पोर्टेंट। तो टोटल कितना आएगा सर? टोटल कर ले तो टोटल दोनों को टोटल करके देख लेते कितना आ रहा है। ये आ रहा 33,75,000 प्लस 3,75,000, तो टोटल आ रहा मेरे पास 37,50,000। अगर मैं सैलवेज करूं नेट ऑफ लास्ट में ही आएगा 37,50,000। मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस। यहां तक बात समझ में आई? क्या आपने ये नोट कर लिया है? हाँ सर, ये हमने नोट कर लिया। ओके, अब इसको मैं रफ कर दूं। हाँ सर, रफ कर देता हूँ। 37,50,000 कहाँ आएगा? लास्ट में। तो हमारा फ्री कैश फ्लो निकल जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो आप सॉल्यूशन है आपके पास, आप उसमें से देख सकते हैं कैसे है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा काम चल रहा था, वापस ले आते। ओके, अब क्या करना? बस और तो कुछ है नहीं है, तो अब सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अब हमारा फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो कितना ये जा रहा है पैसा, है ना? कितना गया? सब ये किस में निकालना है? CNY, युआन में काम आ रहा। 45 लाख ये गया। आया कितना पहले साल? 835,500। और अब जोड़ लो इसको 887,340 प्लस 37,50,000, तो आया है 46,37,340। और हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। कितना परसेंट रेट निकला था? चेक करो कितना परसेंट रेट निकला था। रेट हमारा आया था 11.39%। आपने कहीं लिखा निकाल कर रखा होगा, तो डिस्काउंटिंग किससे करना हमको? 11.39%। यहाँ तो 1 ही रहेगा। 831 का मतलब 45 लाख का 45 लाख ही रहेगा। मैं ये कहना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ कितना रहेगा? 45 लाख ही रहेगा। मैं सीधा प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूँ, फैक्टर वैक्टर नहीं लिख रहा हूँ। 83,5500 डिवाइडेड बाई 1.1139 इक्वल टू ये आ गया 7500,67,463,7340 कितने बार इक्वल टू 212 एम प्लस ये आया 37,37,459 है। 10 भी कर सकते। ठीक है जी, तो ये मेरा काम खत्म हो रहा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ NPV। MRC माइनस 45 लाख। तो NPV आ रहा है हमारा कितना हो रहा है? 7,57,500,67 प्लस 37,37,459 माइनस क्या करोगे? 45 लाख। तो NPV आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है भाई, 12,474 अप्रोक्स। ठीक है, मैं फैक्टर लेके कर रहा हूँ इसलिए अप्रोक्स आ गया NPV। क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें? प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिजेक्ट। क्यों?
ड्यू टू नेगेटिव एनपीवी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा पहला वाला पार्ट हुआ ए वाला। तो यहां तक हमारा काम हो चुका है, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसको मैंने अब ठीक, इसको फटाफट से नोट कर लोगे, नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा काम हो गया है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से सुना रहा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन की बात में बता रहा हूं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अब ये जो एनपीवी निकला ये कौन सी करेंसी में निकला, चाइनीज करेंसी युआन में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो कैश फ्लो है ये और ये आप इंडिया लेकर आ जाइए, ओके लेकर जाएंगे और फिर आप एनपीवी निकालिए, क्योंकि बोले आप कैश फ्लो को इजीली इंडिया लेकर आ सकते, कोई रूल्स नहीं और इंडिया में कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो अब हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक्सचेंज रेट्स, कौन कौन सा, स्पॉट रेट, फर्स्ट ईयर का रेट एंड सेकेंड ईयर, जो हम निकाल चुके। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भैया वो जो युआन है, जो चाइनीज करेंसी, वो कब ला रहा है, हर साल ला रहा है, पहले साल जितना कमाया ये लेके आ रहे हो और सेकंड ईयर जितना कमाया है ये लेके आ रहे हो, या फिर इसको इसी में जोड़ लिया और फिर लेकर आ रहे हो। समझने की, मैंने वहां चाइना में पैसा लगाया हूं तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने पहले साल कमाया तो लेके आ गया, दूसरे साल कमाया तो लेकर आ गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल चाइना में कमाया तो इंडिया लेकर नहीं आया, उसको वहीं रहने दिया, मैंने कहता हूं जब दो साल बाद ले जाना तो पूरा एक साथ ले जाऊंगा, और फिर दो उसको वहीं ऐड कर दिया, एक्यूमुलेटेड कर दिया और फिर दो साल बाद एक साथ लेके आएगा। तो दोनों ही एजम्पशन से स्टडी मेट ने क्वेश्चन बना रखा है और मैं भी दोनों ही एजम्पशन से क्वेश्चन बनाने वाला हूं। तो अब एजम्पशन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एजम्पशन ले रहा हूं, एजम्पशन नंबर वन, कैश फ्लो कब रेमिटेड हो रहा है, इमीजिएटली। तो यहां सीधा इमीजिएटली लिख दूं, हाँ सर चलेगा, इमीजिएटली कैश फ्लो इमीजिएटली आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं फिर से वही कॉलम बनाऊंगा, वन, ये एक और ये एक, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वन और ये टू। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां लिखना है फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो और ये सी एन वाई, कौन सा वाला लिखना, ये वाला, प्रेजेंट वैल्यू मत लिखना, ओके सर। तो यहां जाएगा माइनस 45 लैक्स युआन, 8355 00 और 4637 340 युआन। हमारी अजम्पशन क्या है कि हर साल जितना भी युआन कमा रहे हैं हम लेकर आएंगे, तो इनटू किससे करना पड़ेगा आपको, रेट, एक्सचेंज रेट, और फॉरवर्ड रेट या एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट कितना दिया है 9.50, ये कितना दिया है 9.67 और सेकंड ईयर का कितना निकाला था हमने, आईआरपी के हिसाब से निकाला था, ठीक है। तो अब आएगा फ्री कैश फ्लोस, लेकिन अब ये किस में आएगा, रुपया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 लैक्स इंटू 9.50, तो आ गया 427 लैक्स 50,000, 8355 00 इंटू 9.67, तो ये आ गया 8079 285 46 4637 340 इंटू 9.85, तो ये आ गया बेटे 4567
99. अब क्या निकाल ले हम? प्रेजेंट वैल्यू. याद रखना, इंडिया में लाकर काम कर रहे तो आपको कितने परसेंट से काम करना पड़ेगा? हमको काम करना पड़ेगा 12% से. चलो तो अब मैं 12, इसका तो 1 का 1 ही रहेगा, मतलब यहाँ होगा 427,50,000. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. 807,92,85 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू एम प्लस, तो ये आ गया 7,213,647 प्रेजेंट वैल्यू. और कितना? 4,567,779 दो बार इक्वल टू एम प्लस, ये है 3,641,4,062 एम आर सी माइनस 4,427,50,000. तो बेटे एनपीवी इस बार तो पॉजिटिव आया, देखा? तो अगर इंडिया में पुल कर रहा है तो एनपीवी आ गया पॉजिटिव आपका 8, रुपीस में आया है ना, रुपीस करके ले देता हूँ, रुपीस 8,777,709. ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव है. ये इसमें मैंने क्या एज्यूम किया कि जितना हम कमा रहे हैं इमीजिएटली लेके आ रहा है. लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इमीजिएटली लेकर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है. तो क्या उसमें क्या होगा? तो दूसरी एजम्पशन से मैं काम करने जा रहा हूँ, एजम्पशन नंबर 2. सीधा कब कैश फ्लो, कब कैश लेके आ रहा है? सीधा आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के एंड में. तो अब इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, सेम सिचुएशन आएगी, 0, 1, 2. ठीक है, ओके सर. तो अब यहां क्या आएगा? फ्री कैश फ्लो किसमें? CNY U1. यहां कितना रहेगा? 45 लाख ही रहेगा. यहां कितना रहेगा? यहां कुछ नहीं, और सेकेंड ईयर में ये दोनों जुड़ के आ जाएगा. ठीक है, ओके सर. तो यहाँ आएगा 4,637,340 प्लस 8,355,00. तो यहाँ आ जाएगा 5,472,850. अब क्या करना? इनटू क्या कर देंगे? एक्सचेंज रेट. एक तो ये ले लेंगे 9.50 और एक ले लेंगे 9.85. तो अब जो आएगा वो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे. तो अब यहां आएगा फ्री कैश फ्लो, लेकिन किस में आएगा? रुपीस. पहला वाला तो उतना ही आएगा, 427,50,000. दूसरा वाला देख लेते, 5,472,840 इंटू 9.85. तो ये आ गया 5,390,74,74. दैट्स इट. तो अभी क्या करना है? अब हमको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो पहले अब क्या लिख देते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कितना परसेंट रेट लेना है? 12%. तो पहले वाले में तो दिक्कत नहीं है, ये तो उतना आएगा 4,275,50,000. इसका देख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1.12 तो ये आ गया 4,297,478. ठीक है, तो अब क्या निकाल ले? अब एनपीवी. तो एनपीवी आएगा, लिख लोगे एनपीवी, देख लेते पॉजिटिव है कि नेगेटिव, माइनस 4,275,050,000. यहाँ भी एनपीवी पॉजिटिव, 2,247,08. एनपीवी क्या है? पॉजिटिव. तो क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? हाँ, अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. लेकिन बात जब आती है कि सर बाहर वाली करेंसी से, अगर मैं कहता हूँ कि हम कैलकुलेशन अगर युआन में ही करते तो प्रोजेक्ट क्या जाएगा? रिजेक्ट.
अगर युआन में ही करते तो प्रोजेक्ट आ रहा है रिजेक्ट, लेकिन अगर हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते तो इंडियन करेंसी जो है वीक हो रही है, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, दोनों ही एजम्पशन से मैंने काम कर रखा। थैंक यू।